शिमला में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद शिमला में पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। बर्फ का मजा लेने के लिए पर्यटक शिमला के निकट पर्यटन स्थल कुफरी का रुख कर रहे हैं, क्योंकि कुफरी में बर्फबारी के साथ स्नो स्कीइंग जैसी गतिविधि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। एक तरफ बर्फबारी पर्यटकों के लिए खुशी की सौगात लेकर आई है, तो दूसरी तरफ आसपास के क्षेत्र के कारोबारियों व नौकरी पेशा लोगों के लिए बर्फ आफत बन गई है, क्योंकि संपर्क मार्गों से बर्फ नहीं हटाई गई है, जिसके चलते ये लोग हर रोज फिसलन भरी सड़कों में जान जोखिम में डालकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए फिसलन भरी सड़कों में चलने को मजबूर हैं। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद मशहूर पर्यटक स्थल कुफरी में पर्यटकों की आमद बढ़ गई है और पर्यटक यहाँ की ढलानों में बर्फ के साथ साथ स्नो स्कीइंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले रही हैं। राजधानी शिमला और आसपास के क्षेत्रों में अब बर्फ पिघल चुकी है, जिसके चलते पर्यटक स्थल कुफरी में पर्यटक बर्फ का आनंद लेने पहुंच रही हैं। हम गुजरात से आए हैं और कल ही आए हैं और बर्फ पड़ी है, बहुत मजा आ रहा है। जिस चीज के लिए आए थे वो मिली है, तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, सुपर्ब लग रहा है। हमने तो लाइव स्नोफॉल देखने का एक्सपेक्टेशन रखा था और बट कोई नहीं, पड़ी हुई भी चलेगी। एक्सपीरियंस है, इट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी कल परसों में ही स्नोफॉल हुआ है और काफी स्नो देखने को मिल रहा है हर जगह। बहुत अच्छा वेदर है, एंजॉयबल है और काफी अच्छा है इस समय। अदर टूरिस्ट भी आके एंजॉय कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, बहुत ही प्लेजेंट है। तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं लेकिन बहुत अच्छा है और हम जरूर से दोबारा रिपीट करेंगे स्नोफॉल देखने के लिए। नहीं, अभी तो हम यहीं पे आए हैं पहली बार और यहाँ बहुत अच्छा माहौल हो रहा है, बहुत अच्छी बर्फ एकदम पहली बार देखी है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मतलब जितना सोचा था उससे बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। पहली बार देख रहे हैं बर्फ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये और बहुत ये जर्नी मतलब वर्थ इट। बर्फ में अटखेलियां करते पर्यटकों का उत्साह देखते ही बनता है। उधर कुफरी शिमला का एक मुख्य पर्यटक स्थल है, जहां आसपास की दर्जनों पंचायतों से लोग अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए हर रोज पहुंचते हैं। ऐसे में बर्फबारी के बाद सड़कों में फिसलन बढ़ने से लोग हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर कार्यस्थलों तक पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा संपर्क सड़कों से बर्फ नहीं हटाई गई है। ठंडा क्षेत्र होने के कारण यहाँ सड़कों में हमेशा फिसलन रहती है। ऐसे में विभाग द्वारा मिट्टी या रेत डालने का कार्य किया जाता था, जो इस बार नहीं हुआ है। लोगों को सिर्फ 4x4 गाड़ी का सहारा है, जिनके टायर में चैन बांधकर जोखिम उठाकर कुछ लोग इन खतरनाक सड़कों पर चल रहे हैं। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर आने वाले 5 दिनों तक मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी किया है। यदि फिर से बर्फ होती है तो दिक्कतें और अधिक बढ़ जाएगी। बर्फबारी के चलते सूबे की अभी तक 2 NH समेत करीब 90 सड़कें बंद हैं। इस बीच मौसम केंद्र शिमला ने 27 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। कि आज की स्थिति जो बनी हुई है, हालांकि बर्फ इतनी ज्यादा नहीं है पर फिर भी रोड पे बर्फ जमी हुई है, स्लिपरी है। आज की डेट में सभी गांव जो है कनेक्टेड है लिंक रोड से, तो सभी लिंक रोड यहां तक की जितने भी गांव में रोड जाते हैं, ना तो वहां पे अभी तक कोई मशीनरी या जिससे साफ किया गया है, ना मैन्युअली, ना ही कोई वहां पे रेत या मिट्टी डाली गई है, सो दैट के लोग जो है अपने रोजी रोटी कमाने हाईवे पहुंच जाए या अपना रोजमर्रा की जरूरत की जो चीजें है वो घर ले जा सके, और कोई पेशेंट है, कोई किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, वो पॉसिबिलिटी भी आज तक नहीं बनी है। साधन सिर्फ एक ही है, किसी के पास अगर अपनी कोई 4x4 व्हीकल है तो वो पॉसिबिलिटी बनती है, उसी गाड़ी का यूज किया जा रहा है। जब बर्फ जम जाती है अब इन लोगों के पास, महकमे के पास इतने लोग भी नहीं है जो कर सके रेत रूत का इंतजाम। रोडों में अभी तक उतरी भी नहीं है रेत, पैदल भी ज्यादातर चलना पड़ता है इन दिनों में, खास करके जो बर्फबारी के दिन रहते हैं। बाकी कुछ लोग अपने 4x4 व्हीकल यूज करते हैं, उसमें चेन डाल के आना जाना करते हैं, मरीजों को ले जाना होता है तो उसी पे ही ले जाते हैं। इस वजह से हो जाता है। यहाँ पे मैम नीचे आप जैसे देख पा रहे हो, यहाँ पे ब्लैक आइस जमनी स्टार्ट हो गई है। स्टार्टिंग में जब आपकी स्नो पड़ती है तब तो वो सॉफ्ट होती है, तो उसके ऊपर आपका व्हीकल बहुत आराम से चल पड़ता है, तो उस वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं आ पाती है।
लेकिन जब यहाँ पे ये पानी जमना स्टार्ट हो जाता है तो ये मतलब ब्लैक आइस अपने ऊपर जमा लेता है, तो उस वजह से रिस्क ये हो जाता है कि गाड़ी के स्लिप होने का डर बहुत मतलब बढ़ जाता है, बहुत से चांसेस हो जाते हैं। तो उस वजह से मैम कई बार खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए या कोई आपका टूरिस्ट होता है बीच में, बच्चे उछल कूद कर रहे होते हैं, तो उस वजह से अगर कोई बीच में आ जाए और ब्रेक ना लगे तो वो मैम रिस्क हो जाता है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। इस बार लोहड़ी होगी कुछ खास, आपके मन पसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है कार वाली लोहड़ी। लाए कोई भी पुरानी कार और ले जाए अपनी मन पसंद ऑल्टो कार, ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम, कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ। तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 180 8072 पर।